कल्याण तब होगा, वह जेब में देखेगा, देखकर हीरा ढूंढेगा, ढूंढकर हीरे को बाहर निकालेगा और बाहर निकालकर उसका उपयोग करेगा तो उसकी दरिद्रता जाएगी। शास्त्रकार भगवान हमें यही बात समझा रहे हैं। आप देखो तो सही, आपके पास क्या है? सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। रोज सुबह का सूरज निकलता है, रोज शाम होती है, सूरज अस्त हो जाता है, जिंदगी का एक दिन कम हो गया। कल सुबह वापिस सूर्योदय होगा, हम सब मिलकर वापिस ऐसी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, शाम हो जाएगी और एक दिन कम हो गया। और यह एक एक दिन घटते घटते तो जीवन खत्म हो जाता है। एक एक दिन को घटा दे तो आप अपना जीवन परिपूर्ण कर रहे हो। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते कि समझ लेना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। ऐसे तो जिंदगी निकल रही है आपकी। आज एक दिन कम हो गया, बर्थडे आया, एक साल कम हो गया, 10 साल कम हो गए और जीवन निपटते निपटते मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि देख तो सही तेरे पास क्या पड़ा है, कुछ तो होगा तब जाके। शास्त्रकार भगवंतों ने यह मनुष्य जीवन की इतनी सार्थकता की बात करी, कुछ तो होगा तेरे पास, तू भिखारी नहीं है, तू राजा है। और राजा है यह वर्ड शायद गलत हो, लेकिन राजा बनने की पात्रता तेरे में है, यह वर्ड परफेक्ट सटीक है। तेरे पास है ताकत, लेकिन हम भीतर जाकर जागते नहीं, भीतर जाकर देखते नहीं, और इसलिए जीवन ऐसे ही निकलता जा रहा है। बाह्य आचारों में, बाह्य क्रियाओं में, बाह्य विषयों में, बाह्य वासनाओं में आपका जीवन बीतता चला जा रहा है। शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि भीतर जाकर देख तो सही कि तेरे पास कितना अमूल्य हीरा है, क्यों ना देखे। और याद रखना, अन्य भवों में यह देखने की कोई सुविधा नहीं। आपको बेल का भव मिला, आपको ये विचार ही खड़ा नहीं होगा कि भीतर में जागना है, भीतर में देखना है, भीतर से कुछ पाना है। आप नरक में चले गए, आपके मन में भाव ही नहीं उठेगा कि मेरा कल्याण हो। आपको चींटी का जीवन मिला, आपको पता ही नहीं चलेगा आप जीवन में क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्या कहां आपका गंतव्य स्थान है, जीवन की सफलता क्या है, आप नहीं जान पाओगे। आपको बंदर का भाव मिला, भोजन के अलावा आपके आंखों के सामने कुछ आएगा ही नहीं। तीनियन योनि में आप चले गए, नरक योनि में आप चले गए और देवलोक में भी शायद चले गए, वहां जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। और ये दो योनियों में आप जान ही नहीं पाओगे करना क्या क्या नहीं करना। इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर कान खोलकर सुन लेना और याद रख लेना, अन्य भवों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप भीतर झांक सको। मुझे एक भव तो दिखाओ मनुष्य के अलावा जहां ये सुविधा हो, जहां भीतर झांका सके, झांका जा सके, भीतर देखा जा सके, ऐसी एक भूमि कहां सुविधा है। और इसलिए शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ ले, यह भूमि सारी सुविधा है। तो भीतर झांक भी सकता है, भीतर देख भी सकता है, भीतर में जा भी सकता है और भीतर जाके तेरा कल्याण भी कर सकता है। सारी की सारी सुविधा यह मनुष्य जीवन में ही है। भीतर जाने की, भीतर झांकने की, भीतर में देखने की और भीतर में जाकर के खुद का कल्याण करने की सुविधा मात्र मात्र मनुष्य जीवन में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मात्र मात्र खाना पीना, घूमना फिरना, मजे करने, शरीर को संभालना, ये सबके पीछे जीवन मत बिता दो। झांको भीतर में, जाओ भीतर में, देखो भीतर में, कल्याण साधो खुद का, वरना जीवन ऐसे ही निपट जाएगा।
जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा, जीवन ऐसे समाप्त हो जाएगा। बराबर कान खोल के सुनेगा। सासगार भगवान बार बार यही कहते हैं, हीरा तेरी जेब में है, बस खोज ले। भीख मांगने की कहां जरूरत है, कहां लंबे जाने की जरूरत है, कहां दूर जाने की जरूरत है, कहां फोकट में या संसार में घूमने की जरूरत है, कहां दर दर पे माथा झुकाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हीरा तेरे पास पड़ा हुआ है, बस देख ले, झांक ले, चला जा और वह हीरे को पाकर के जीवन को सफल बना ले। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।